वेलकम टू माय चैनल फेयर इलेक्ट्रो। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुनीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नेक्सन की एलसीडी के ऊपर स्प्लैश स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी हम डिवाइस लेते हैं तो उसके अगर वो डिस्प्ले वाली है तो सबसे पहले जब वो ऑन होती है तो उसके ऊपर एक कंपनी का लोगो वगैरह जो है वो डिस्प्ले होता है, उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनती है। तो जब हम नेक्सन का बॉक्स ओपन करेंगे तो इसमें तीन चीज़ें होंगी। एक नेक्सन एलसीडी होगी, एक छोटा ये कनेक्टर होगा। ये कनेक्टर जो है इसको पावर देने के लिए है नेक्सन एलसीडी को। अगर आप 5 वोल्ट अडाप्टर से पावर देना चाहते हैं तो उसके लिए ये कनेक्टर जो है इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक कनेक्टर और होगा, इसमें वायर्स होंगी। ये जो है ये आपकी यूआरट कम्युनिकेशन के लिए होता है और साथ ही ये जो 2 वायर्स हैं इसकी रेड एंड ब्लैक, ये इसकी पावर के लिए होती हैं। तो सबसे पहले इस एलसीडी के साथ इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्टर इस तरीके से कनेक्ट करके उसके बाद इसको राइट करने के लिए, इसके अंदर प्रोग्राम राइट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी फाइल एसडी कार्ड में कॉपी करके तो इसके अंदर राइट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि जो टीटीएल कन्वर्टर, टीटीएल टू यूएसबी कन्वर्टर होता है, इसके जरिए आप इसको राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टीटीएल से जो है इसमें फाइल राइट करेंगे। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेड वायर है उसको पॉजिटिव 5 वोल्ट जो होगा टीटीएल का उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर को ग्राउंड के साथ जीएनडी लिखा होगा इसके ऊपर। उसके बाद जो ये येलो वायर है ये आरएक्स की है तो इसको हम टीएक्स पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ब्लू वायर जो कि टीएक्स है इसको हम टीटीएल के आरएक्स के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है कनेक्शन ये इसका कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके ऊपर जो स्प्लैश स्क्रीन लगानी है उसकी डिजाइनिंग वगैरह और उसको कैसे ऐड करना है प्रोग्राम में, ये सारा का सारा हम देखते हैं। सबसे पहले जो नेक्सन एडिटर है उसको ओपन करना है। यह आपको स्क्रीन के ऊपर जो है नेक्सन एडिटर जो है ये नजर आ रहा होगा। अब सबसे पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें। अब ये जो सामने स्क्रीन है आपको नजर आ रही है, इसमें आपने अपना प्रोजेक्ट नेम जो है वो ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो अपनी प्रोजेक्ट नेम है, मैं इसमें अपना प्रोजेक्ट नेम जो है वो फॉर एग्जांपल स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन के नाम से सेव करता हूं। उसके बाद ये सामने आपकी डिवाइस की सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग में से सबसे पहले ये जो मेरे पास डिस्प्ले है वो बेसिक बेसिक टाइप है, बेसिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो मॉडल है डिस्प्ले का वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक करके तो जो हमारी डिस्प्ले डायरेक्शन है उसको सेट करना है। इसमें तो हॉरिजेंटल 0 डिग्री पे हम इसको सेट कर लेते हैं। ओके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक जो है पेज, ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें स्प्लैश स्क्रीन लगाने का तरीका ये है कि इसमें हम 2 पेजेस बनाएंगे, 2 पेजेस ऐड करेंगे। इसमें फर्स्ट पेज पे हम लोग स्प्लैश स्क्रीन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर हम स्प्लैश स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो हमने इसमें पिक्चर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है आपके पास तो सबसे पहले पिक्चर को ऐड करने का तरीका ये है कि ये आपका पैनल है, इधर पिक्चर को सिलेक्ट करें, ऐड के बटन पर क्लिक करें और इसमें से जो आपकी इमेज है वो ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है ये मैं स्प्लैश स्क्रीन पे लगाना चाहता हूँ और ये जो है ये फर्स्ट पेज जो हमारा होगा, तो इसलिए दोनों को सिलेक्ट करके इधर ओपन कर लें। ये देखें हमारी
टू इमेजेस जो है इसमें ऐड हो गई हैं। तो सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन ऐड कर लेते हैं इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग फिर दूसरी जो इमेज है वो ऐड कर लेंगे। तो पिक्चर सेलेक्ट करें, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पिक नाम की प्रॉपर्टी है, इसको ब्राउज करके तो ये जो हमारी इमेज है इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारा जो है स्प्लैश स्क्रीन होगी। तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि इसके साथ हमने टाइमर लगाना है, जो टाइमर जो है अपना टाइम पूरा होते ही नया जो पेज है उसको ओपन कर लेगा। तो सबसे पहले इधर एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं पेज वन के नाम से। पेज वन में भी फॉर एग्जाम्पल हम एक पिक्चर ऐड कर देते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें और इसी तरह पिक के ऊपर जाके ब्राउज ब्राउज से आप ये इमेज जो है ये सिलेक्ट कर लें। ये हमारा जो है ये मेन पेज जो होगा वो ये होगा, तो जो स्प्लैश स्क्रीन वाला पेज है वो ये होगा। तो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर एक टाइमर लगाएं, ये इधर ये टाइमर होता है, इस टाइमर के अंदर इधर वैल्यू सेट कर दें। फॉर एग्जांपल 3 सेकंड का हम टाइम डिले लगाते हैं, तो 3000 लिखेंगे इसमें, 3000 मिली सेकंड के बाद हमारा जो है न्यू पेज जो है वो ओपन होगा। तो टाइमर के अंदर जो हमने कोड करना है जस्ट एक लाइन जो है वो डालनी है। टाइमर के अंदर हमने पेज को ऐड कर दिया है, जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा तो हमारा ये वाला जो पेज है पेज वन जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलें टेस्ट कर लेते हैं इसको। डिबग पे क्लिक करें, डिबग पे क्लिक करने से हमारा जो हमारी डिस्प्ले के ऊपर व्यू आएगा वो नज़र आएगा। ये देखें 3 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिकली हमारा न्यू पेज जो है वो ओपन हो गया। दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं, डिबग पे क्लिक करें, ये देखें ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन गई। तो ये 3 सेकंड के बाद हमारा जो मेन पेज है वो ओपन हो गया। अभी जो है इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग जो प्रोग्राम हमने बनाया वो राइट कर लेते हैं। राइट करने का तरीका ये है कि ये जो TTL कन्वर्टर है इसको USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करें। ये हमारा जो डिस्प्ले है ये कनेक्ट हो गया। अब अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद गो पे क्लिक कर दें, ये ऑटो सर्च जो है ये खुद ब खुद इसकी पोर्ट को उठा लेगा। ये देखें हमारा जो प्रोग्राम है वो राइट हो रहा है, इसके अंदर प्रोग्रेस बार चल रहा है। जब ये 100% पे जाएगा तो हमारा प्रोग्राम जो है राइट हो चुका होगा। ये देखें ये सक्सेसफुल ये ऐड हो गया, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन गई और ये हमारा फर्स्ट पेज जो है इसमें डिस्प्ले होगा। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, मैं पावर को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये देख ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।